बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुसैन मलिक फ्रॉम बलाज स्टेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो आप लोगों को काफी ज्यादा न्यूज मिल रही होगी। इस्लामाबाद के अंदर डीएचए ने अपना फेस 9 जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम डीएचए कंतारा रखा गया है। और इसकी काफी ज्यादा 2-4 साल से रूमर्स चल रही थी कि ये किस लोकेशन पे आएगा। हर कोई अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा था कि यहाँ पे आएगा या कहाँ पे आएगा। अभी इसकी फाइनलाइज हो गई है लोकेशन। ये चक्री के पास जो है डीएचए ने इसकी लैंड को अनाउंस किया है और इसके साथ बिल्कुल कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है उसका फेस 2 बिल्कुल साथ उसके आता है डीएचए के साथ, जिसकी वजह से ये रूमर्स या ये बातें चल रही है कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी और डीएचए का ज्वाइंट वेंचर जो है यहाँ मिलकर इन्होंने एक फेस देने लगी है, जहां पर डेवलपमेंट जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले करेंगे और डीएचए के अंदर ट्रांसफर होगी या मिलकर ही ये लोगों को एक जमीन देगी या प्लॉट्स वगैरह देंगे। इसके अंदर सच्चाई जो है वो उसके बारे में ही डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाई गई है। आने वाला टाइम अल्लाह ताला के साथ को बेहतर पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, हम वही बता सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम मेहनत करते हैं। बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी और डीएचए जो गंधारा आया है ये बिल्कुल साथ साथ है, एक ही समझे आपके बिल्कुल साथ इनकी दीवार लगती है, ये बिल्कुल एक ही जगह के ऊपर ये वाकया है। अभी गंधारा जो है डीएचए को बनना है। कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 2 जो है उसकी काफी ज्यादा लैंड थी, तकरीबन 17,000 के अराउंड एकड़ के अराउंड लैंड थी, जो कि डीएचए ने उसमें से काफी ज्यादा लैंड जो है बाय की है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने काफी ज्यादा लैंड डीएचए को दी है कि वो गंधारा बना सके। उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो डिजाइनर है सरवाना, जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी भी डिजाइन की है और उन्होंने ये भी डिजाइन किया है दोनों स्मार्ट सिटी भी, उनको डीएचए ने हायर किया है, क्योंकि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड थी उधर सारी डिजाइनिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी थी, काफी ज्यादा उन्होंने अपनी डिजाइनिंग दे चुके थे। इसी हवाले से डीएचए ने उनकी जो डिजाइन है उनको भी लिया है और उनको भी अपने मशवरे के लिए उनको भी अपने ग्रुप में ऐड किया है, ताकि वो भी उनको कोई मशवरा और मजीद दे सके या उनकी जो डिजाइनिंग हो चुकी थी उसके ऊपर डीएचए अमल कर सके या देख सके। और उसके बाद अभी और भी लोगों ने लैंड जो है डीएचए को परचेज करवाई है, लेकिन कहा यह जा रहा है सबसे ज्यादा लैंड जो परचेज करवाई है कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से ही लैंड परचेज हुई है, लेकिन अभी तक डीएचए फेस 9 की कोई भी फाइल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई भी फाइल का रेट अभी अवेलेबल नहीं है, कोई भी फाइल बिकने के लिए नहीं आई। अगर आपको कोई भी हजरात फाइल देता है तो वो आप उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि डीएचए की तरफ से अभी कोई भी किसी भी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, ना 5 मिला ना 10 मिला ना कनाल ना दो कनाल ना कमर्शियल के हम लोग ये इतना रेट कमर्शियल का देंगे या जो भी है। अभी सारी सूरत हाल जो है इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ लैंड का बताया गया है और उन्होंने एक वहां पे अपना बिल बोर्ड लगा के ये बताया गया है कि इस एरिया के अंदर हमारी लैंड है और यहाँ पे डीएचए गंधारा आएगा और इसके अंदर क्या क्या सूरतें होंगी क्या क्या चीजें होंगी वो वक्त के साथ साथ वो इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन सुनने में ये आ रहा है ये इंशाल्लाह ताला एक अच्छे लेवल के ऊपर फेस बनाया जा रहा है, जो कि इंशाल्लाह एक वहां पर जितनी स्ट्रेटेजी बनी है उन सबका जो है रुख जो है वो चेंज हो जाएगा, वो एक स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो पिछले डीएचए से ये काफी ज्यादा चेंज होगा। आप ओवरसीज से ये परचेज करना चाह रहे हैं ओवरसीज, या आप पाकिस्तान के अंदर परचेज करना चाह रहे हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। हमारे पास प्रोफेशनल टीम है जो इंशाल्लाह ताला आपको प्रोफेशनल तरीके से गाइड करेगी, ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला ना आए। आप हमें एक और जरूर करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको एक ऐसी पिक्चर आपके सामने रखें, सच्चाई सामने रखें, ताकि आपको परचेज करते हुए किसी भी किस्म का मसला ना आए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।